ओ माय गॉड, कितने ठंडे हैं! रख मतलब ये 2 दिन के रखे हुए रसगुल्ले हैं। रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि पालक को मिक्सर ने किस तरीके से पीसा है। तो गाइस फाइनली अपना भाई कौन सा पनीर बोलते हैं इसको, ओ सॉरी, पालक पनीर बनकर हो चुका है रेडी। ओ भाई यार, गजब का स्वाद है यार इसमें तो। आज पहली बार मैं बनाकर खिला रहा हूँ, समझ में आया? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और भाई आज है मेरे फेसबुक वीडियो का शूट और उसी के लिए मैं हो चुका हूँ रेडी, आप देख रहे होंगे। और ये रहा माइक, सारा सिस्टम इसका। और अभी बना नहीं है कुछ भी किचन में। हाँ भाई, क्या बन रहा है? सारा सिस्टम खाली पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना है। हाँ क्यों नहीं बना है? तुम कुछ लेके ही ना आ रहे बनाने को, तो क्या बनाए? क्या लेके आए? सो इस सब कुछ रखा हुआ है घर पे, कुछ भी ना बताइए मुझे, क्या बोलना है? एक बार हे गाइस गुड मॉर्निंग बोलना। बोलते हैं हे गाइस गुड मॉर्निंग। अजय है मेरी गुड़िया, परिधि परिधि गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग। मैं ना गुड मॉर्निंग कर दो बेटा, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। हाँ, गाड़ी खड़ी है अपनी बाहर, और गुड मॉर्निंग बोल दिया से। परदी बोलो, परदी गुड मॉर्निंग बोलो। ओ रोहित उठ जा, 10 बज गया, अभी सो रहा है, शूट होगा स्टार्ट। ओए ओए उठ जा, देख तेरी साइकिल ठीक नहीं करवाऊंगा अगर नहीं उठाता तू आज, जल्दी उठ, मत करवाऊ हैं, बता। सब्जी में का दाल बना लो, उड़द की बना लो, क्योंकि गर्मी वैसे पड़ रही है। हाँ बेटा, कैसे जितने जने हैं घर के सब? कौन है भाई? अरहर की एक गोर बन गई ना, तो लेके आनी पड़ेगी फिर। देख चलो ले आएंगे जाकर, क्या देखते। हाँ बोल, क्या बात है? साइकिल तू कुछ काम तो करता ना। और रोहित बता, साइकिल संभाल पाएगा? हैं ना संभाल पाएगा? तो फिर आज शूट करे चले, आ जा जल्दी से, जल्दी उठ जा, 12 बज गए। साइकिल तो साइकिल अभी टाइम लग जाएगा, दुकान खुली ना होगी उसकी, साइकिल वाले की साइकिल वाले की दुकान अभी खुली ना होगी। बताइए कहाँ पे दुकान, जहाँ पे वो चारपाई की वो करवा के लाया अपने पाया ठीक इसका, वहां पे होगी ठीक। तो फिर आ जा, आप वीडियो शूट करेंगे 9 बज गया, 10 बज गया, देखा के तब होता होगी शूट, पूरे दिन ना होगी शूट। तो गाइस वीडियो का फर्स्ट टेक हमारा हो चुका है, और ये आप देख सकते हो टीम के साथ में, ये हमारी टीम भाई सभी लोग आए हुए हैं। और देखो ये हमारी आज की एक्ट्रेस, शादी हो रखी है इनकी, है कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? अभी नहीं नहीं शादी हुई है, ये तो मेरे बच्चे हैं यार, क्यों बोल रहे हो? ये देखो भाई, पैसे ही पैसे हैं, और ये हैं सारे पैसे वीर भाई के, भाई ये अपने घर से लेकर आए हैं। ये पैसे मेरे नहीं हैं भाई, सूट हो रहा था अभी, तो सूट में हमारे लिए यूज किए। तो तुमने ये प्लॉट बेची है ना? अच्छा। ये गाइस प्लॉट बेच कर आए थे ना, तो उसी के पैसे हैं, तो मैंने कहा चलो यार ले आओ पैसे, क्योंकि सूट की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो चलो प्लॉट बेच दिए इन्होंने पैसों के लिए। तो गाइस अभी आ चुके हैं भाई बाहर के आउटडोर सूट के लिए फिलहाल, और यहाँ पर है जूस का वीडियो का सीन, और ये देखो भाई फ्रूट का जूस कॉर्नर, यहीं पर करेंगे सूट। और एक कावासाकी, कावासाकी आप कावासाकी पे करोगी काम? बताओ कावासाकी गाइस, ये कावासाकी ऐप पर काम करेंगे, जिसको भी कांटेक्ट करना हो इनसे कर लेना अपना। कौन है क्यों कावासाकी में कब्जी काट है? यूट्यूब से अच्छा है कावासाकी? अभी मुझे कावासाकी के बारे में पहले देखूंगी, उसके बाद देखा ना तुमने कावासाकी इतना फेमस हो रहा है। चलो गाइस तो फिलहाल कर लेते हैं भाई सूट के लिए स्टार्ट, बाद में मिलते हैं आप सभी लोगों से। सो फाइनली गाइस अपना सूट हो चुका है भाई, और हो चुकी है शाम, अभी फिलहाल भी जिद कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये है इसकी साइकिल का हैंडल, और अब इसकी साइकिल टूट चुकी है, ये देखो इसकी साइकिल टूट चुकी है, मात्र 1 महीने में इसने अपनी साइकिल को तोड़ दिया था, ये देखो देखो देखो, देख रहे हो A1 की साइकिल लेकर आया था गाइस, बहुत महंगी साइकिल थी ये, लेकिन इसके गाइस इसका हैंडल बिल्कुल कच्चा था, 5 लाख की थी। हाँ 5 लाख की? हाँ बेटी, ये 5 लाख रुपए की साइकिल थी गाइस, ये ना पूरी थी 3,000 या 4,000 की।
की साइकिल। अच्छा मैं छोड़ता जीन्स का चल वो बड़ी वाली साइकिल अच्छी रहती है जो रेंजर पूरी। हां आ जा। अब ये बता मैं इनकी साइकिल ठीक करा कर लाऊं या फिर ना लेकर आऊं? मम्मी मना कर दी तो देख ना तेरा मेकअप आएगा ना तेरे कपड़े आएंगे। तो गाइस अभी आए थे हम लोग इसकी साइकिल संभरवाने के लिए और यहाँ पर ये दुकान देखो भाई बंद हो चुकी है। चलो अब क्या करोगे घर के लिए ला वापस अब कल ही संभलेगी। दिनों खुली लेकिन इतनी जल्दी बंद करो क्यों करके चलेगा वैसे तो खोलते हैं ये 5 बजे खुल जाओ सुबह को ना सुबह शाम के टाइम पर सुबह के 10 बजे खुल जाएगी। 10 बजे सुबह ले आइए। अच्छा चलो भैया आओ निकलते हैं फिर। देखो गाइस इनका रहा बैड लक इसको बोलते हैं बैड लक। तो कल स्कूल चले आओगे तो कल नहीं तो बेटा परसों संभलवा देंगे ठीक है। दोपहर को कल भी तो फेसबुक का सूट है अपना। नहीं हुई इनकी साइकिल ठीक दुकान बंद थी बेचारे उदास होके आए हैं। खुशी की बात है इनके लिए। अरे तेरे फेस पे वो नीला नीला आ रहा है उसका लाइट का। बंद कर दे नीली वाली लाइट बंद कर दे। यस अब कुछ बनाना है खाने में नहीं बनाना है, है? क्या क्या रखे क्या 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 रखा है सब कुछ है ठंडे हैं। चल फ्रिज चल रहा था। ओ माय गॉड कितने ठंडे हैं। मतलब ये 2 दिन के रखे हुए रसगुल्ले हैं लेकिन लेकिन बताया नहीं। गाल पे लगा दिया है। 2 दिन के रसगुल्ले रखे हुए हैं ये बताया क्यों नहीं है? ये अच्छे वाले ना तो हम तो खाते हम अपने लिए लेकर आए थे। टीवी वालों ने ना चला को मुंह धोकर आते मुंह गंदो आ रहा हो या मुंह नहीं धुलाए इसने अभी। चलो गाइस तो एंजॉय करते हैं। तू रसगुल्ले खाएगा आज? मजा आ गया लो है यार। मेरे मेरा चुप चुप कर मत कर ना हम खा लेंगे गाइस। गाइस अभी आया हूँ मैं मार्केट से और मैं लेकर आया हूँ नई चीज। सुनना सुन सुनो कम्बल हटो मैंने एक नई चीज लेकर आया हूँ आज। पालक और पनीर खाया कभी हैं? पालक पनीर खाया है हैं? गाइस आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में पालक पनीर नहीं खाया है और ना ही कभी बनाया है और ये बोल रही है कि इन्होंने खाया है। कब खा लिया? वो लगता है काका कैसा उसमें वो डाल देते हैं क्या साग तो साग नहीं हर समय झूठ की भी हद होती है ऐसा झूठ ना बोलते हैं कभी भी समझ में आई। हाँ तो गाइस आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार पालक पनीर बनाऊंगा और फिर खाऊंगा ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसा बनता है क्योंकि प्रैक्टिस तो कुछ है नहीं हमारे लिए तो यूट्यूब पर देख कर ही बनाएंगे। इनको भी कुछ आता जाता है नहीं ना ही तो ये बना सकती हैं कुछ ना। जानती हो ना क्या क्या जानू है? मेरे जानू वो प्याज है और मिर्च हरी और लाल और तारा धनिया। बनाना आता नहीं आता है? आता है। बनाइए फिर चल के यूट्यूब पर दिखा दिया मैंने इसकी रेसिपी कि पनीर कैसे बनाया जाता है फिर भी समय में नहीं आ रहा है। मेरी समय में नहीं आ रहा मुझसे नहीं बनेगा ऐसा कैसे बनता है तो आज मैं सिखाऊंगा कैसे बनता है फिर बनवाया करूंगा। और गाइस देखते हैं ये पहली बार हम पनीर बनाते हैं तो कैसा बनता है स्वाद आता है नहीं आता भाई कैसा लगता है टेस्टी का भी हमें कुछ पता नहीं है। गोलगप्पे लेकर आया हूं अपने लिए। हाँ तो गाइस सबसे पहले मैं पालक को पानी में उबाल रहा हूं और फिर इसके बाद इस पालक को ठंडे पानी में कर देंगे। हाँ तो गाइस अब मैंने इस उबले हुए पालक को डाल दिया है इस मिक्सर में और देखते हैं भाई ये किस तरीके से इसको करता है। भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है गाइस अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज यार आप लोग ट्राई मत करना। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखो भाई प्रॉब्लम हो चुकी है अपनी। हाँ तो अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि पालक को मिक्सर ने किस तरीके से पीसा है। ये देखिए गाइस एकदम जैसे चटनी बनती है ना उस हिसाब से भाई पालक को कर दिया है इस मिक्सर ने। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेसिंग आती है भाई। देखो ये यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं ये अदरक के टुकड़े हैं और ये लहसुन है। लहसुन हमारे पास कम था इसलिए हमने कम डाला है। हमारे घर पे भाई खत्म हो गया लहसुन इतना ही बचा था।
यही डाल रखा है। और बाकी ये आप देख रहे हैं ना, ये है काजू। अब इसको हम इस वाले जार में डालकर पीस लेंगे। इसमें मैंने पालक पीसा था, इस वाले जार में अब इसको पीसेंगे हम। हाँ तो गाइस अपनी ये प्रोसेसिंग आ चुकी है। अब भाई जीरा चलो बोलते जल जाने, इतना कुछ नहीं करेगा। देखो गाइस ये भाई जल चुका है हमारा जीरा यहाँ पर। और इस पर और इसमें हम देते हैं अब प्याज। देखो भाई प्याज डाल चुके हैं। और देखो भाई पनीर को ना मैंने इसमें तल लिया है तेल में। और बाकी अगर आप चाहो तो इसको बिना तले भी कच्चा भी बना सकते हो, लेकिन कच्चा मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है। अब हम डालते हैं इसमें अपना ये टमाटर का पेस्ट। तो गाइस हमारा मसाला जो है पककर हो चुका है एकदम रेडी। हमने इसमें गरम मसाला, धनिया, मिर्च, हल्दी और इतनी सारी चीजें डाली है बस। चलो अब इसमें ये पालक वाला पेस्ट हम डाल देते हैं। हाँ तो गाइस हमारा भाई जो सिस्टम है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना पता है कि ये पककर हो चुका है एकदम रेडी। अब इसमें हम लोग डालते हैं अपने पनीर को। चलो डाल दो इसमें, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। और पहली बार हम लोग इसको खाएंगे भी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये तो बनने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, देखो गाइस अपना पालक पनीर तो बनकर हो चुका है तैयार। और इसमें अभी मैं तड़का लगाने वाला हूँ। और इसमें अभी हम देते हैं थोड़ा सा भाई देसी घी। अब इसमें हम देते हैं जल्दी से लहसुन, जल्दी डाल दो इसमें, देखो कितना वो निकल रहा है। बेटिया लगा जाओ। तो गाइस फाइनली अपना भाई कौन सा पनीर बोलते हैं इसको, सॉरी पालक पनीर बनकर हो चुका है रेडी। और देखने में लग रहा है कुछ ऐसा। और बाकी खाने में कैसा लगेगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो फाइनली गाइस हमारा खाना बनकर हो चुका है भाई रेडी। और अभी देखो आप, ये रहा हमारा पालक पनीर। और हमारी बेटी देखो आ गई है इधर, और सभी लोग आ गए हैं। और टीवी को रोक दे अभी तू, देख अपना ब्लॉग उस पर लगा दिया इसने, कोई बात नहीं उसको रोक देते हैं अभी। और भाई बाकी टेस्ट करके देखते हैं। चलो टेस्ट करें फिर। पापा। हाँ बेटी। ओ भाई यार गजब का स्वाद है यार इसमें तो। आज हकीकत में पता चला है और ऐसी सब्जी बनी है जो रेस्टोरेंट पर बनती है, और भाई वो भी आज तुम्हारे भाई ने बनाई है ऐसी सब्जी। पहली बार, आज पहली बार मैं बनाकर खिला रहा हूँ, समझ में आया? और इतनी अच्छी और इतनी स्पेशल सब्जी बनाकर खिला रहा हूँ आज तुम सभी को, समझ में आया? कितनी कैसी लगी रोहित, हैं मजा आ गया राज? ये चटनी थोड़ी ना पालक है बेटा, तेरी कटोरी जेल है जिसमें से खा तू। हाँ पालक का साग होता है उसकी है भाई, गजब यार। अगर आप लोग भी ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हो ना तो मेरे ब्लॉग में देखकर आप बना लेना, वास्तव में भाई बहुत गजब की बनी है। तो गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट। हाय कर दो बेटा, हाय।